सरकार को जिस किसान के आंसू को पोंछने चाहिए उसके आंसू निकाल रही है सरकार, आंसू गैस छोड़ते हैं। तो आप की सरकार सेंसर बोर्ड में बैठे हुए लोग आपके, तो जवाब आप दीजिए। आपसे पूछना चाहते हैं कि तांडव जो वेब सीरीज है उसको अनुमति कैसे दी, बिना अनुमति के तो चल नहीं रहा। ये लड़ाई सिर्फ फसल को बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई फसल के साथ आने वाली नस्लों को बचाने की लड़ाई है। तो ये फसल और नस्ल की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से इस देश के अंदर राजनीतिक तांडव चल रहा है, और ये राजनीतिक तांडव का एक हिस्सा है कि एक तांडव एक वेब सीरीज है जिसके ऊपर अलग अलग तरह की टिप्पणियां की जा रही है। मतलब आपने हर किसी को डिवाइड करने की कोशिश की। जो अंग्रेजों की जो चाल थी यही भारतीय जनता पार्टी की चाल है, ये अंग्रेजों के चट्टे वट्टे हैं। जीएसटी लेकर आते हैं तो व्यापारी खुश नहीं है, और आज तक व्यापारी को जीएसटी समझ में नहीं आया। आप सीए का कानून लेकर आते हैं, इस देश का माइनॉरिटी खुश नहीं है, इस देश का गरीब जनता आपसे खुश नहीं है, क्योंकि सबको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। आप जो है इस देश के अंदर किसान के लिए बिल लाते हैं, कृषि बिल लाते हैं, उसमें किसानों से आप बातचीत नहीं करते हैं। जिसके लिए सरकार बिल लेकर आती है वही सरकार से ना कुछ हो जाता है। आज तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा नहीं हुई कि कौन किस धर्म का है, क्योंकि वो इंडस्ट्री ही ऐसी है कि वहां पर लोग ज्यादातर जो है वो नास्तिक होते हैं। कि नवंबर की आखिर हफ्ते में और दिसंबर की शुरुआत में किसानों के ऊपर वाटर कैनन छोड़े गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के चर्चित नेता और लोकप्रिय नेता मशकूर उस्मानी। हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज के टाइम में कई ऐसे मुद्दे हैं जो चर्चा में है, मीडिया सुर्खियों में, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिल्म को लेकर जो राजनीतिक तांडव शुरू हुआ है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ चाइना की तरफ से जो एक चीज़ अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है उस पर ये क्या सोचते हैं, इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल, हम चूँकि लगभग 60 दिन होने वाले हैं दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है लगातार, 10 बार की वार्ता भी हो गई है, कोई अभी नतीजा निकलने वाला दिख नहीं रहा, इसको लेकर क्या सोचते हैं? सरकार क्यों नहीं रद्द जो बिल है, 3 कानून है, वो वापस क्यों नहीं कर रही है, क्या उसके मन में चल रहा होगा? और वही किसान हैं उनको देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या वो लगता है कि समझौता कर पाएंगे जिस तरीके से वो कर रही है कि हम इसमें संशोधन करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले जो किसान बिल है, उन तीनों जो कृषि बिल है उसको बारे में हम तमाम लोग सब चीज़ जान चुके हैं कि वो बिल किस तरह से हानिकारक है और किस तरह से जो है वो किसानों को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए है। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि ये बिल जो है वो किसान के पीठ पे तो छुरा भोंका गया बिल्ला के, और साथ साथ उनके पेट में भी छुरा भोंका गया। उनके थाली में वो क्या खाएंगे इस बात का अधिकार किसान से छीना जा रहा है, और इसीलिए किसान इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ फसल को बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई फसल के साथ आने वाली नस्लों को बचाने की लड़ाई है। तो ये फसल और नस्ल की लड़ाई है, इसीलिए हमारा आप देख रहे हैं कि लगातार जो है इस बात के नारे लग रहे हैं कि सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है एग्रीकल्चर का पूरी तरह से। और आप देख रहे हैं कि जो नया कानून है उस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सरकार देने को तैयार नहीं है। एक नया सोचा आ रहा है कि 2 साल के लिए इस कानून को सरकार रद्द करेगी, 2 साल तक ये कानून लागू नहीं होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से, कि क्या 2 साल बाद इस कानून के अंदर कुछ फायदा नजर आने लगेगा किसान को? और आपको अगर ऐसा लगता है कि 2 साल बाद किसानों का अगर फायदा होगा तो वो फायदा अभी क्यों नहीं दिख रहा है? मतलब आप जीएसटी लेकर आते हैं तो व्यापारी खुश नहीं है, और आज तक व्यापारी को जीएसटी समझ में नहीं आया। आप सीए का कानून लेकर आते हैं, इस देश का माइनॉरिटी खुश नहीं है, इस देश का गरीब जनता आपसे खुश नहीं है, क्योंकि सबको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। आप जो है इस देश के अंदर किसान के लिए बिल लाते हैं, कृषि बिल लाते हैं, उसमें किसानों से आप बातचीत नहीं करते हैं। जिसके लिए सरकार बिल लेकर आती है वही सरकार से ना कुछ हो जाता है। सेंसर बोर्ड किसका है? सेंसर बोर्ड कांग्रेस का है, या सेंसर बोर्ड विपक्ष का है, या सेंसर बोर्ड पर बैठा हुआ आदमी की नियुक्ति विपक्ष ने की हो, राहुल गांधी जी ने की हो, तो आप बताइए। तो जब आप कि सरकार सेंसर बोर्ड में बैठे हुए लोग आपके, तो जवाब आप दीजिए। आपसे पूछना चाहते हैं कि तांडव जो वेब सीरीज है उसको अनुमति कैसे दी, बिना अनुमति के तो चल नहीं रहा। तो ये एक अजीब परिस्थिति है जो हमारे सामने है। 2 महीने पूरे होने को है, किसान का आंदोलन इतना मजबूत आंदोलन है कि अगर ये आंदोलन हमारे किसान भाइयों को 6 महीने तक भी चलाना पड़े
तो वो पूरी तरह से समृद्ध है इस आंदोलन को चलाने के लिए, क्योंकि यह आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। और जब कभी भी कोई भी आंदोलन जन आंदोलन बनता है तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसको कुचला नहीं जा सकता। आप सिंगू बॉर्डर पर जाइए, टिकरी बॉर्डर पर जाइए, चारों बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनकी एक ही डिमांड है, इन तीनों कानून को वापस ले ले सरकार। सरकार जिस दिन वापस लेगी, किसान अपने ट्रक ट्रॉली ट्रैक्टर के साथ अपने घरों को वापस हो जाएंगे। पूरे देश भर से किसान वहां इकट्ठा है, 26 जनवरी को किसान वहां पर जो है ट्रैक्टर मार्च करेंगे। ये आप सोचिए कि कितना बड़ा मैसेज है, एक अलग मैसेज है कि जहां पर दिल्ली के अंदर परेड होगा जवानों की तरफ से, वहां पर जो है किसानों की तरफ से जो है ट्रैक्टर मार्च होगा, ट्रैक्टर की तरह परेड होगा। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार जो नवंबर में जिस तरह से आखिर हफ्ते में जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो तब सरकार ने किसान और जवान को लड़ाने की कोशिश की थी। आपको याद होगा कि नवंबर की आखिर हफ्ते में और दिसंबर की शुरुआत में किसानों के ऊपर वाटर कैनन्स छोड़े गए, पानी के छोड़ा गया उनको ऊपर, जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सरकार को जिस किसान के आंसू को पोंछने चाहिए उसके आंसू निकाल रही है सरकार आंसू गैस छोड़कर। सरकार ये समझती है कि उस किसान के ऊपर जो है पानी डाल देंगे तो किसान का मनोबल गिर जाएगा। हम बताना चाहते हैं मोदी सरकार से और केंद्र सरकार से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, किसान जो है वो ठंड में भी, बरसात में भी और गर्मियों में भी नंगे पांव चलकर जाता है अपने खेतों में, और धरती माँ की कोख में वो किसी बीज को उमंग के साथ डालता है। उसकी ये उमंग होती है, ये लालसा होती है कि उससे कोई फसल आएगी, उस फसल से वो अपने नस्ल की परवरिश करेगा। और आप उससे ये अधिकार छीन रहे हैं और किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और जारी रहेगा ये लड़ाई। एक इसके अलावा एक चीज़ और आजकल उस पर बवाल मचा हुआ है, तांडव एक वेब सीरीज़ है उसको लेकर खासतौर पर भाजपा सरकार के जो नेता हैं उस पर निशाना बना रहे हैं, मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, उसमें सैफ अली खान है, जिशान अयूब है या उसके जो डायरेक्टर अली जफर, अली अब्बास जफर हैं, उसमें और भी करेक्टर हैं, उनको ना जिक्र करते हुए मुसलमानों पर टारगेट हो रहा है। तो ये जो पूरा तांडव चल रहा है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से इस देश के अंदर राजनीतिक तांडव चल रहा है, और ये राजनीतिक तांडव का एक हिस्सा है कि एक तांडव एक वेब सीरीज है जिसके ऊपर अलग अलग तरह की टिप्पणियां की जा रही है। मतलब आपने हर किसी को डिवाइड करने की कोशिश की। जो अंग्रेजों की जो चाल थी यही भारतीय जनता पार्टी की चाल है, ये अंग्रेजों के चट्टे बट्टे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों को डिवाइड करके रूल करना चाहती है, अंग्रेज भी यही किए थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आए थे। आज तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा नहीं हुई कि कौन किस धर्म का है, क्योंकि वो इंडस्ट्री ही ऐसी है कि वहां पर लोग ज्यादातर जो है वो नास्तिक होते हैं, वो लोग मतलब भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में विश्वास नहीं करते हैं। चाहे वो उनके नाम में खान लगा हो, उनके नाम में जो है वो पठान लगा हो, उनके नाम में जो है सिंह लगा हो, उनके नाम में कुमार लगा हो, वो अपने आप को, और इसके इंस्टेंसेस हैं, उन तमाम आप हीरोज के इंटरव्यू देख सकते हैं, और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि उसमें भी जो है धर्म के नाम पर बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों का ये कहना है कि कुछ आपत्तिजनक सीन है या कुछ आपत्तिजनक बातें हैं उस वेब सीरीज के अंदर, तो मैं ये पूछना चाहता हूं उन तमाम लोगों से, चूंकि बजरंग दल और हिंदू युवा वाहिनी और तमाम इस तरह के जितने भी फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो देश में लोगों को लड़ाना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ही आपका विंग है, सेंसर बोर्ड किसका है? सेंसर बोर्ड कांग्रेस का है या सेंसर बोर्ड विपक्ष का है, या सेंसर बोर्ड पर बैठा हुआ आदमी की नियुक्ति विपक्ष ने की हो, राहुल गांधी जी ने की हो, तो आप बताइए। तो जब आप कि सरकार सेंसर बोर्ड में बैठे हुए लोग आपके, तो जवाब आप दीजिए। आपसे पूछना चाहते हैं कि तांडव जो वेब सीरीज है उसको अनुमति कैसे दी? बिना अनुमति के तो चल नहीं रहा, और बिना अनुमति के चल रहा है तो क्या कर रहा है जो फिल्म सेंसर बोर्ड है, वो क्या कर रहा है? ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री क्या कर रही है? मैं इस पर सवाल करना चाहता हूं, लेकिन नहीं, सवाल का जवाब तो देंगे नहीं, क्योंकि जवाब ये राहुल गांधी से मांगेंगे, जवाब ये विपक्ष से मांगेंगे, जवाब ये तेजस्वी यादव से मांगेंगे, जवाब ये जो है अखिलेश यादव से मांगेंगे, जवाब ये स्टालिन जी से मांगेंगे, मतलब पूरे देश का जो विपक्ष है, चाहे ममता जी हो, उनसे जवाब मांगेंगे। सरकार जवाब नहीं देगी, अब प्रवृत्ति बदल गई है, जवाब विपक्ष को देना है। व्हाट्सएप चैट लीक हुई, सब लोगों के सामने है किस तरह की आपत्तिजनक बात की गई उस देश में के बारे में, हमारे देश के बारे में।